दिस वीक ऑन बैक बेंचर्स इमादियंस वर्सेस बारबेरियंस और लाहौर का टूर्नामेंट एल्स। हेलो और वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट आनंद अंबानी और मेरे साथ मौजूद हैं रिडिक्यो। क्या हाल है आपके? रिडिक्यो खैर, पीएसएल ऑलमोस्ट अपने अख्ताम पे आता जा रहा है और सबसे अहम खबर ये है कि एल से आता है लास्ट, एल से आता है लाहौर और लाहौर का पूरा टूर्नामेंट ही एल से गुजरा है उनके लिए। काफ़ी एज़ यूजुअल दो साल के लिए उन्होंने थोड़ा हमें धोखा दिया था, वापस से अपनी आखिरी पोजीशन पे लाहौर आ चुके हैं और उनका साथ दे रहे हैं हमारे अपनी शहर की बदनाम टीम कराची किंग्स। क्या तासुरात हैं आपके इस खूबसूरत? ये गलत है, कराची को लाहौर के साथ ना मेंशन करें। देखें, कराची के पूरे 5 पॉइंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 5 से भी ज्यादा है मेरे ख्याल में। लाहौर सबसे नीचे है। और दूसरी बात, देखें कराची के साथ, अब मैं बोलना चाहूंगी साजिश हुई है। वेट कर देते हम लोग। शान मसूद ने परसों जब उनका लास्ट मैच था उसके बाद उन्होंने बोला कि कराची के मोस्ट मेंबर्स, जब कराची ने पहले 3 में से 2 मैच जीते, बिल्कुल, उसके बाद पूरी टीम को फूड पॉइजनिंग हो गई, फिर जाहिर है मसला होता है। अब ये बताएं सिर्फ कराची की टीम को क्यों पॉइजनिंग हुई? मतलब क्लियर साजिश, इससे ज्यादा ऑब्वियस हो नहीं सकता है, देख नहीं सकता कराची को जीतते हुए। तो एक और मसला कराची के साथ ये भी था कि पोलार्ड जो थे वो ढोलकी के लिए गए हुए थे इंडिया और वापस आए तो उनका बल्ला भी टूटा हुआ था, शायद उनका हैंगओवर भी था और उनके ऊपर ही कराची की सारी उम्मीदें थी, तो ये एक मसला खड़ा हो गया। मतलब पेट खराब के अलावा तो ये भी मेरे ख्याल में उनका तो मूड ही नहीं था वापस आने का, उन्होंने गुस्से में बल्ला तोड़ा है बेचारे। पर अगर एक ये भी कराची का जो अलमिया चले जा रहा है कि आप अगर उनकी टीम उठा के देख लें तो हर बहुत सारे अंडर 19 प्लेयर्स को आप मिला के जोड़ें तो एक प्लेयर की ये उम्र बनती है। आप डेडिकेशन देखें इस एजेंडा को लेके कराची की, के इतने सारे उन्होंने एक्सपीरियंस प्लेयर्स रखे हुए हैं। कल अराफात मिन्हास ने एक मैच खेला और उन्होंने HBL जो 9 था, बेस्ट इकोनॉमी उनकी थी 2 point something, सिर्फ एक मैच खेला, डेडिकेशन। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, इन्होंने पिछला मैच उसको खिलाया, ना ही बैटिंग दी ना ही बॉलिंग दी, वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस उनकी उम्र होती ना 40 साल, फिर वो हर मैच खेलते हैं। ये भी बड़ा मसला है कि कराची के प्लेयर्स की एवरेज और स्ट्राइक रेट जो है उनकी उम्र से कम चलती जा रही है, तो उनको शायद किसी ने बताया नहीं है टेस्ट का, नहीं T20 का टूर्नामेंट है। तो ये एक कराची के साथ एक तो जो उनकी हेल्थ के खिलाफ भी साजिश हुई, उनकी अकल के खिलाफ भी साजिश चल रही है। कराची लाहौर के तो ये मसले थे, मगर जो इस टूर्नामेंट, भाई आपको बड़ी मुबारक हो कि बारबेरियंस जो हैं उनके पास कंटेंट भी आ रहा है, मगर उसके बाद सेलिब्रेशंस भी आ रही हैं। बाबर का बड़ा फॉर्म लगा हुआ है इस टूर्नामेंट में और बारबेरियंस भी बदनाम होते हुए थोड़ा दिख रहे हैं। एक बारबेरियन से तो पिंडी के मैच में रहा नहीं गया, उन्होंने मैदान में छलांग लगा ली और बाबर की तरफ भागते हुए गए और बाबर की बॉब्जी द किंग द बेनेवलेंट द ग्रेशियस कि उन्होंने कहा सिक्योरिटी वालों से कि यार इसको ज़्यादा मारो पीटो नहीं, सेल्फी लेने के लिए भी वो इकरार कर रहे थे। तो ये तो मतलब बारबेरियन जो प्रो बारबेरियंस की ज़िंदगी के वो हैं, मगर उसी के साथ साथ जो बेचारे इमाद वसीम के साथ हो रहा है बाबर ने, उनको तो कोई हमदर्दी नहीं दिखाई कि मतलब क्राउड जो है वो इमाद के ऊपर चिल्लाए जा रहे थे बाबर। इवेंचुअली इमाद ने अपनी शर्ट उतार, मतलब स्वेटर पर अपना नाम दिखाया टीम को। तो रिहाब, ये मैंने काफ़ी लंबा और बहुत सारा मवाद दिया है, अब आप इसको हमें एक्सप्लेन करके देना कि क्या चल रहा है बारबेरियंस। ये तो देखे आप, बाबर और बारबेरियंस को सिर्फ एक बैड लाइट में दिखाना चाह रहे हैं। हाँ। गलत बात है, मे बी मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ भाई, वीडियो आई नहीं है, मे बी इसे पता ही ना हो, मे बी इसे पता ही ना हो। और ये कि जी जो इमाद को गालियां पड़ रही हैं, आप जिम बाबर पे तो इतने लोग गुस्सा हो गए थे, पूरे मुल्तान शहर को रगड़ दिया गया था और ये जो इमाद वसीम बेचारे के होम टाउन के लोगों से ट्रोल कर रहे हैं। अब आप देखें बाबर की स्टार पावर, उसके घर वाले उसे ट्रोल कर रहे हैं। मतलब ना कि जब नेगेटिव आया तो उसको आपने स्टार पावर पर डाल दिया ना, बड़ा ये अच्छा एजेंडा है। इमाद वसीम ने इस उनके पूरे टूर्नामेंट में ना ही सिर्फ उनके साथ ये बदतमीजी हो रही थी,
मगर उनका फॉर्म भी जो था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मगर फिर इस्लामाबाद को इन्होंने प्लेऑफ्स में एक लास्ट बॉल पे या सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का मार के पहुंचा दिया। और इमाद वसीम एक मतलब उनकी रिफॉर्म विलेन वाली आर्क हो गई, ठीक है जी। उसके अलावा तीन जो बिछड़े हुए भाई जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आके एक दूसरे से मिले हैं, शाह ब्रदर्स, लाइक होलसम एजेंडा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वैसे ही आगे अपना रखा हुआ था, और अब उसको मतलब इतना आगे ले गए हैं कि अब वो नई वीडियो आ गई कि शादाब की मॉम भी आ गई है वो, और वो शाह ब्रदर्स के साथ हैं, और लोग बस हार्ट इमोजी डाल रहे हैं वो। तो ये बारबेरियंस आप लोग का कंटेंट देखे इतना नेगेटिव आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखे अब कंटेंट। अगेन, सबसे पहले ये मदर वाला कंटेंट लाया ही बाबर का कि बाबर की मम्मा स्टेडियम में थी तो बाबर ने सेंचुरी की, ठीक है ये कॉपी कर रहे हैं ठीक लोग। है। और दूसरी बात ये कि देखे अब यहाँ पे मैं वापस कराची को मेंशन करूंगी, इमाद और हसन अली की ट्रेड हुई थी लास्ट ईयर, भी इस्लामाबाद ही गया था, इस साल भी इस्लामाबाद ही गया, कराची नहीं गया। तो मेरे ख्याल मेरी टीम का मसला प्लेयर्स का कुछ लेना देना नहीं है। ये भी हो सकता है। खैर तो ये इसके अलावा ऑब्वियसली क्वेटा और मुल्तान की टीमें जो काफ़ी हद तक लग रहा था टूर्नामेंट में कि वो बड़ा टॉप पे रहेगी, आज अगर इनफैक्ट मुल्तान हार जाए तो वो टॉप टू में भी नहीं रह पाएंगे। जो मतलब फ्रॉम एन इंटरनेट परस्पेक्टिव मुल्तान ने हमें इतना दिया, एक क्या कहते हैं क्रिंज ओलंपिक्स में हर दफ़ा उन्होंने कोई नॉमिनेशन भेजी है, उसके अलावा आहद और उनका कुंभ भी वहीं पे सेटल है। तो हम चाहते मतलब कि कुछ हो जाए मुल्तान के लिए थोड़ा बेहतर, मगर मुल्तान की टीम थोड़ी इस हफ्ते उन्होंने इतना हमें कंटेंट नहीं दिया क्रिंज के लिए। ये इनके लिए इनका फॉर्म के लिए वरियंग है या नहीं? वरियंग है ना, देख ले अब आज का हारे तो टॉप टू में भी नहीं रहेंगे, हाँ उनको क्रिंज करते रहने, उनको वो ओवर रिएक्शंस जो होते हैं वो देते रहने चाहिए, जो अली तरीन और दहानी और अब्बास अफरी वो सब कर रहे होते ना, देते रहना चाहिए उन्हें। क्योंकि मैं यही देख रहा था कि अब जो जो क्रिंज ओलंपिक्स की तरफ अगर हम आएँ, इस हफ्ते हमने ब्रॉन्ज मेडल मुल्तान और इस्लामाबाद ने शेयर किया है, और दुख मुझे यही होता है कि मतलब यार आप कहोगे एक दूसरे की ट्रोलिंग फिट है, मगर ये अंग्रेजी में करने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसा लगता है कि वो गुड मॉर्निंग डियर वाले मैसेजेस की बात हो रही है। भाई अगर उर्दू में करें, अपनी किसी जबान में करें तो थोड़ा रियल तो लगे, ये बिल्कुल मम्मी डैडी वाली ट्रोलिंग कर रहे आप हैं। भूल गए इस्लामाबाद की बात कर इस्लामाबाद रहे बेश हैं। इस तो मुल्तान भी क्या मम्मी डैडी हो गया है, लाइक क्या मसला क्या हुआ है वहां मुल्तान का वो जो सोशल मीडिया पे अब आहद भाई यहाँ पे नहीं पे? आहद आप शो जरूर देख रहे होंगे, आप हमें जवाब दीजिएगा। खैर तो ये मुल्तान इसलिए हमने ब्रॉन्ज मेडल दिया, सिल्वर मेडल पे रमीज राजा जो इतने महान शख्सियत हैं वो, तो उनका ये एक्चुअली वैसे बड़ा फनी है, मगर वो रमीज राजा ने खुद बड़ा क्रिंज मारा कि पैसा वसूल कहना था और उन्होंने कह दिया। इफ एवर देयर वाज अ पैसा फजूल, पैसा वसूल मैच। और फाइनली गोल्ड मेडल क्रिंज ओलंपिक्स का, पीसीबी के चेयरमैन तो साल के मौसमों से ज़्यादा बदलते हैं, और सून टू बी एक्स चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने इस हफ्ते कहा कि जी जो हमारे लोकल खिलाड़ी उनसे छक्के नहीं लग रहे और फॉरेन प्लेयर्स ग्राउंड से बाहर छक्के मार रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने नहीं देखी है पीएसएल, क्योंकि मतलब कि साइम आ गया, आजम आ गया, हारिस आ गया, नाफे आ गया, मतलब नॉट जस्ट लोकल प्लेयर्स बट बच्चे बच्चे लोकल प्लेयर्स, और इफ्ती मेनिया ने मतलब वैसे ही दिखा दिया कि भाई मैं अभी भी छक्के मार रहा हूँ, हैदर अली हो गया। तो क्या कर रहे हैं मोहसिन भाई, उनको क्यों नहीं पता कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मेरे छक्के ख्याल मार में सकते हैं? बूमर्स को तो क्रिकेट देखनी ही नहीं हाँ, चाहिए, और जो देख भी नहीं उनकी रहे 50 साल से ना एक ही ओपिनियन है कि हाँ पाकिस्तान के पास बैटर्स नहीं है, और जो है वसीम अकरम सबसे अच्छे बैटर थे, और हर फास्ट बॉलर जो है शोएब अख्तर जैसा होना चाहिए, मतलब सही है हो गए गए ये जो अब अंडर 19 के बच्चे आ रहे हैं इनको देखो, इनको वही चाहिए बस। मुझे बिल्कुल मतलब कि एट एनी पॉइंट मतलब मेरे 40 साला क्रिकेट फैन हिस्ट्री में इतने ज़्यादा आपके पास अच्छे हिटर्स नहीं आए हैं। बाबर के लेवल जैसा बैटर देखें, आपको भी हम खुश करेंगे, वही 30-40 साल में एक दफ़ा आता है, उसके बावजूद भी चेयरमैन साहब के ये शो, अगर चेयरमैन को भी सलाम है, वो उनको तो लगता है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बनेंगे और चेयरमैन भी बनेंगे, और कोई मिसबाफिकेशन ऑफ पाकिस्तान वो के। उनको ना डिल्यूजन है, उनको पता नहीं है पीसीबी के चेयरमैन की जगह 2-4 महीने से ज्यादा नहीं होती। सही बात है भाई कि ज्यादा एक तो एक ऐसा है कि पाकिस्तान वैसे ही इतना सेफ मुल्क है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में कोई काम करने को है नहीं, तो शायद आप क्रिकेट भी संभाल लें। मगर खैर
इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक या तो हम आएंगे या नया चेयरमैन आएगा, क्योंकि ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट के हाल बदलते रहते हैं। वी विल ऑल्सो नो के PSL प्लेऑफ्स में क्या पिक्चर आई, कौन सामने आया। ऑब्वियसली कराची किंग्स का एजेंडा ख़त्म हो गया, मगर कराची माफिया का एजेंडा हम कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। और ऑफकोर्स रिहा जो है वो बाबर एजेंडा और बाबेरियन एजेंडा भी नहीं जाने देंगी। तो मेक श्योर यू आर कैचिंग अस नेक्स्ट वीक ऑन बैक बेंचर्स। और उसके अलावा मेक श्योर कि आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर रहे हैं और यूट्यूब जो है दुनिया डिजिटल का उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। रमज़ान का महीना है, प्लीज़ दिल खोल के सब्सक्रिप्शन बांटें और हम देखेंगे आपको नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, खुदा। सारे मिल के हमको पागल बना रहे। मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इसे झंडे को फरोख